सतनाम की पीले बूटी, कितना कमाया होगा, कितना खाया होगा, कितना लुटाया होगा, लेकिन जब तक भजन की बूटी ना पी, नाम की बूटी नहीं पी, तब तक सब व्यर्थ है। और ये बूटी किसने किसने पी? हनुमान जी ने कि जब माता सीता ने सबको कुछ न कुछ कुछ न कुछ दिया था, उनको भी हीरो का हार दिया गया, उस हीरे को हार को तोड़ वो देखने लगे कि इसमें राम है कि नहीं, ऐसे भी कि राम के अलावा और कुछ दूसरा दिखाई दे। हनुमान ने ऐसी पीढ़ी जो खड़ा हो जाता है काई की बूटी, तो कहा है उन्होंने आगे, इस मन की बूटी सबर पर सोता रखल ना बूटी, तन कपड़े में छाड़ देना लागत है मीठी, हर किसी को अपने मन को ही मार मार देना है, मन ही तो नहीं मानता है, मन ही तो नहीं मानता है, बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, गांजा भांग पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, मन ही तो नहीं मानता है, इस मन को ही तो मार कर पीना है, मन की बूटी सबर पर सोता रखल ना बूटी हो, कपड़े में छान लेना लागत है मीठी, एक ना उतर जाऊं मैं खड़ी, दूजी ना टूटी, गुरु लग
सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अगर उनके हाथ में अगर हम हैं, उनके चरणों में अगर हैं और कभी मृत्यु आ गई तो फिर उनकी जिम्मेवारी है कि वो हमें पार करें। पर हम अपने हाथों में अपने आप को सौंपे जब ना, हम अपने जीवन की डोर को उनको पकड़ाए तब ना। हर गुरु लगाए कपार हाथ से छूके, इस दुनिया में आकर बंदे क्या मौज लूटी, कभी परमात्मा के द्वार पर ये प्राण जाए, ये जीवात्मा जाए, इससे कभी पूछा जाए कि दुनिया में जाकर तुमने क्या किया, तो कहीं कहोगा साहब हमारे तो दारू पी, ये बोल पाएंगे हम कि हमने चोरी करी, डाका डाला, निंदा करी, बुराई करी, छल कपट किया, मालिक हमने तो ये किया संसार में जाकर। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधु फिर यही खोटी है वो बोली, अगर जीवन पाकर हम यही करते रहे। कबीर सुनो भाई साधु यही खोटी, सदगुरु कबीर साहब।